ओम ज्ञान ज्ञान जनुशला कया चुर्मिल तस्मी श्री गुरु नम श्री चैतन्य चरितामृत तो हमने समाप्त किया चैप्टर टेन और अब हम चलते हैं चैप्टर इलेवन अंतलीला जिसका बहुत ही मार्मिक ये रहेगा एक और भगवान कितने भक्त वत्सल हैं उन्हें भक्तों से कितना प्रेम है समर्पित भक्तों से खास तौर पे उसका एग्जाम्पल इस चैप्टर में मिलेगा इसका शीर्षक है हरिदास ठाकुर का महाप्रायण किस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने इस संसार से वो भगवान की लीलाओं में वापस गए नित प्रविष्ट हुए हालांकि ये भक्त जो है हमेशा ही ये भगवान के पार्षद है हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में कि वो एक किसके अवतार हैं ब्रह्मा जी के अवतार भी हैं तो उन्हीं के बारे में ह्यूमिलिटी हमारी परंपरा का मुख्य अंग है दैन्यता दैन्य शरणागति का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ऐसा हम सुनते हैं कि दैन्यता से ही सारी की सारी चीज़ें का पोषण होता है हम कुछ भी करते हैं चाहे हम जपा करें चाहे हम कीर्तन करें चाहे हम कथा सुने या कथा कहें हर चीज़ में धैन्यता कैसे लाई जाए ये हमें सोचना होगा फॉर एग्जाम्पल हम कथा सुन रहे हैं तो जैसे कि हमने सुना मनु कर्द मुनि से कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं अपने कानों से आपके इन वचनों को सुन पाया ये हो गया दैन्यता इन श्रवण इसी प्रकार से तो दैन्यता के जीते जाते स्वरूप हरिदास ठाकुर नमामि हरिदास तम चैतन्यम तम चा तत्प्रभु हे मैं हरिदास ठाकुर तथा उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया जय जय श्री चैतन्य जय दया मय जय द्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो अत्यंत दयालु हैं जो अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं जय श्रीनिवासेश्वर हरिदासनाथ जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ श्रीनिवास ठाकुर के प्रभु की जय हो हरिदास ठाकुर के स्वामी की जय हो गदाधर पंडित के प्रिय स्वामी की जय हो स्वरूप दामोदर के प्राणनाथ की जय हो क्योंकि वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं श्री चैतन्य महाप्रु जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर काशी मिश्र के परम प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो जगदानंद के प्राणनाथ हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रभु हैं जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान कृपा करी देह प्रभु निज पद दान महाप्रभु के दिव्य स्वरूप की जय जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं हे प्रिय प्रभु आप अपनी अहेतु की कृपा द्वारा मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण तोमार चरणार भक्ति देह दान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राणाधार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगा ले जय अद्वैत चंद्र चैतन्येर आर्य स्वचरण भक्ति देह जय अद्वैत आचार्य उन अद्वैत आचार्य की जय हो जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आयु तथा आदरशीलता के कारण श्रेष्ठ मानते थे कृपया मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगाए जय गौर भक्त गण गौर यान प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो क्योंकि महाप्रभु उनके जीवन और प्राण है कृपया आप मुझे आप सभी मुझे भक्ति का दान दें जय रूप सनातन जीव रघुनाथ रघुनाथ गोपाल छया मोरनाथ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी गो वृंदावन के इन छह गोस्वामियों की जय हो ये सब मेरे स्वामी हैं ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण यही छे तैचे लिखी करी आप न पावन तो मैं महाप्रभु की लीलाओं तथा गुणों की यह कथा श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों की कृपा से लिख रहा हूं मैं नहीं जानता कि इस तरह उचित रीति से लिखूं किंतु तो इसका वर्णन इस वर्णन को लिख कर मैं अपने आप को शब्द कर रहा हूँ तो कई सारे भक्तों का नाम कृष्णदास गोस्वामी लेते हैं ये भक्त कौन है ये भक्त हैं हमारी गुरु परंपरा के भक्त तो बहुत हुए संसार में पुस्तक लोग पढ़ते हैं भक्त माल अनेक भक्तों की जीवनी है अनेक भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं ऐसा नहीं है कि इसी संप्रदाय में ही शुद्ध भक्त हैं और भी हैं लेकिन हम लोग कृष्णदास कविराज हाँ ऐसे महान भक्तों यदि हम फॉलो करना चाहते हैं शिलाप्रुपात को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें अपनी परंपरा के प्रति विशेष ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ऑल दो वी रिस्पेक्ट ऑल द डिटीज हाँ सारे भक्त भगवान के प्रिय हैं लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भक्तों के नाम लिया गया वो क्या लिया गया किनका लिया गया हमारी परंपरा संप्रदाय के भक्तों के नाम उनके प्रति आ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कृष्णदास का जिन्होंने इस उम्र में ऐसी पुस्तक को लिखा कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन उनके मूड से हमें समझना पड़ेगा हाउ अटैच्ड वो कितने आसक्त हैं इसलिए कहते हैं आसक्ति भौतिक आसक्ति संसार में बांधती है और भक्तों से आसक्ति मुक्त करती है और ये भक्तों से आ सकती भी कौन से भक्तों से आ सकती है हमारी संप्रदाय के भक्तों से आ सकती क्योंकि जब संप्रदाय के भक्तों से आ सकती होगी तो संप्रदाय के जो मूड होगा तभी हमारे अंदर आएगा हाँ इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि हम लोग कई बार कहते ना कि सभी अच्छे हैं सभी भक्त हैं तो हमें समझना पड़ेगा सभी भक्त हैं या सभी धर्म हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा सेकुलर गवर्नमेंट हाँ तो सभी अच्छे हैं मतलब सब अपना अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं लेकिन मैं किसी एक से जुड़ा हुआ हूँ ये हालांकि मुझे ये नहीं सिखाता कि मुझे दूसरे से नफरत करनी चाहिए क्या कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना ये तो बैर करना तो जिसने सिखाया वो तो दुष्ट है बैर नहीं करते हम हम समझते हैं कि धर्म अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को भगवान ने दिया उनकी क्षमता के अनुसार वट एवर इज़ भगवान तो ये भी कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा भी करता है वो भी अल्टीमेटली मेरी ही पूजा करता है आएगा एक दिन सही विधि नहीं है नो no प्रॉब्लम कोई विधि तो अपना रहा है कभी ना कभी आएगा तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हम सभी हम नफ़रत करना तो नहीं सिखाते लेकिन फिर भी हम वी आर अटैच टू आवर परंपरा गुरु से अटैचमेंट का मतलब परंपरा से अटैचमेंट होता है ये समझना पड़ेगा गुरु क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है एक्चुअली वास्तव में गुरु हम तत्व को जानते हैं गुरु तत्व तो क्योंकि हम सुनेंगे चैतन्य चरितमित के आदि लीला में इसके बारे में कि कैसे गुरु तत्व का क्या मतलब है तो हमें विशेष इस प्रकार से ग्रेटिट्यूड हमारा डेवलप होना चाहिए जैसा कि यहाँ कृष्णदास का विराज कर रहे हैं हालांकि हमने पूरी गुरु परम्पर नाम नहीं लिया लेकिन समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से विशेष रूप से ये यही परंपरा है तो इन सभी के लिए और फिर कहते हैं सारे गौर भक्त वृंद गौर भक्त भक्तवृंद सभी चैतन्य महाप्र के सभी भक्तों की जय हो जिनके प्राणनाथ जिनके प्राण स्वरूप गौरांग हैं उनकी जय हो तो विशेष रूप से हमारा महाप्रभु से गौरांग महाप्रभु से जो हमारी अटैचमेंट है वो विशेष होनी चाहिए ये भी समझने की बात है भगवान के भी अनेक अवतार हुए हैं है ना जैसे हम संप्रदाय के प्रति विशेष रुझान रखते हैं वैसे ही भगवान के अवतार भी अनेक हुए हैं वामन अवतार भी हुआ है और बहुत सारे अवतार हुए हैं कई नारायण नारायण इज हम हिमसेल्फ भगवान के विस्तार हैं लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है खासतौर पर अगेन क्योंकि परंपरा का ऐसा मूड है ना यही फर्क पड़ जाता है अब आप किसी और संप्रदाय में जाएंगे माना आप श्री संप्रदाय में जाएं तो हो सकता है और नारायण को बड़ा विशेष माना जाए लेकिन मुझे ये जो कृपा मिलेगी वो अपने गुरु संप्रदाय से मिलेगी इसलिए उनसे अटैच हैं तो उनके मूड में भगवान यानी कि कृष्ण राधा कृष्ण विशेष रूप से और गौर निताई गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये हमारे आराध्य हैं विशेष रूप से इनसे हमारा लगाव पैदा होना ही चाहिए हाँ गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना वास्तव में ये कहते हैं यदि गौर ना हुई थे भी क्या हुई तो ये हमें मिल नहीं पाता और फिर उसके बाद उनके आगे आने वाले उनके भक्त लोगों ने यदि वो नहीं होते तो भी नहीं मिल पाता तो इस प्रकार का विचार यहाँ पर कृष्णदास कविराज अपने प्रारंभिक इन श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं कि मैं जो भी लिख पा रहा हूँ कर पा रहा हूँ वो इनकी कृपा है मत महाप्रभुर नीलाचल चल संगे भक्त गण लैया लीर्तन विलास इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के खीर संकीर्तन का आनंद लिया दिने नित्य कीर्तन ईश्वर दर्शन रात्रे राय स्वरूप सने रस आस्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु दिन में नित्य कीर्तन तथा तो जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में लगे रहते रात में वे अपने अत्यंत विश्वस्त भक्तों यथा रामानंद राय स्वरूप दामोदर स्वामी के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य रस का अमृत आस्वादन करते तो ये है भक्तों का नेचर उनके लिए चाहे दिन हो हो चाहे रात वो कृष्ण में लगे हैं दिन में भी और रात्रि में भी चैतन्य महाप्रभु क्या करते इन कथाओं को सुनते रहते मत महाप्रभु सुखे काल आया कृष्ण आंगे नाना यहाया इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सुखपूर्वक अपने दिन नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में बिता रहे थे कृष्ण से विरय के कारण उनके शरीर में अनेक दिव्य लक्षण प्रकट होते थे क्योंकि हम अंत लीला में अंत लीला में अंतिम लीलाएं हैं भगवान महाप्रभु की अंतिम लीला में भी हम धीरे धीरे अंतिम शोर पे पहुंचते जा रहे हैं तो इसमें हम महाप्रभु की बहुत सारे एक्सटेटिक सिम्टम्स को देखेंगे बहुत सारे भगवान महाप्रभु टोटली राधा रानी के भाव में आ जाएंगे धीरे धीरे तो वो उसी के बारे में कह रहे हैं कि उनके कृष्ण से विरह के कारण उनके शरीर के अनेक दिव्य लक्षण प्रकट होते थे दिने दिने बाढ़ विकार रात्र अतिशय चिंता द्वेग प्रलाप आदि यत् शास्त्राया दिन प्रतिदिन ये लक्षण बढ़ते गए रात में भी और बढ़ गए बहुत बढ़ जाते क्योंकि रात्रि में भी वो श्रवण करते थे ये सारे लक्षण यथा दिव्य चिंता उद्वेग तथा उन्मत्त सा प्रलाप उसी रूप में विद्यमान थे जैसा कि शास्त्रों में उनका वर्णन हुआ है बट ये हम कई बार सुन चुके हैं कि ये जो विकार है एक समान व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकते विकार ये इतने सुन के ही समझ में आता है कि हाँ ये विकार तो नहीं आ सकते स्वरूप गोसाई आर रामानंद राय रात्रि दिने कार्य दोहे प्रभु सहाय चैतन्य महापुरु की लीलाओं के, के प्रमुख सहाकार सहायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय दिन रात महापुरु के साथ में रहते क्यों रहते थे अगेन क्योंकि उनके मूड को समझते थे इसलिए बड़ा जरूरी है कि अपने गुरु और गुरु परंपरा के मूड को हम समझें उसी के अनुसार अपने सोचने का तरीका बना लें तभी तो साथ में कोई रखेगा किसी को अब वो अलग इस तरह से सोचता है तो उसको साथ में कैसे रखा जाएगा इसलिए बार बार कृष्णदास कविराज के से में दिख रहा है एक दिन गोविंद महाप्रसाद लहिया हरिदास गेला आनंदितया और एक दिन चैतन्य महापुर का निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास गए देखे हरिदास ठाकुर करी अच्छे शयन मंद मंद करी छे संख्या संकीर्तन जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह अपनी पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जप माला कर रहे हैं लेटे लेटे भी क्योंकि हमने सुना ना कि ऑलमोस्ट उनके जीवन में सोने का समय था ही नहीं जब हम कैलकुलेट करते हैं वन नाइनटी टू राउंड तो लगता है कि अठारह बीस घंटे तो यही हो गए हाँ फिर कहीं ना कहीं थोड़ा तो मुंह में कुछ डालना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत और थोड़ा मल भी त्यागना ही पड़ेगा नहाना भी पड़ेगा ही और उसके बाद प्रचार भी कर ही रहे हैं तो पता नहीं कैसे ये सब तो इस प्रकार से वो समझ लीजिए जब कमर को भी सीधा करने के लिए लेट रहे हैं तो उसमें भी नाम जब कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि लेटे लेटे जब करा जा सकता है आप अगर एक सौ बानवे माला करो तो करा जा सकता है ओके गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन हरिदास कहे आजी करी मूलंघन गोविंद ने कहा कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण कर लीजिए हरिदास अपने उत्तर दिया आज मैं उपवास संख्या कीर्तन पूरे ना ही के है खाई ब महाप्रसाद आनी अच्छे के मत उपेक्ष मैंने अभी अपना जब पूर्ण नहीं किया है तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ किंतु तो तुम तो महाप्रसाद लाए हो भला मैं उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ दोनों सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं हुं? जो खाने का सिलसिला चालू हो जाता है हमारा उसके बारे में बता रहे हैं कि नाम के प्रति जो हमारा नाम खिंच खिंच के रात तक पहुंच जाता है उसके प्रति हमें चिंतित चिंतित होना चाहिए हमने सुना था विष्णु प्रिया के बारे में कि वो अपना माला पूरा एक राउंड जपती थी तो एक चावल का दाना रखती थी एक माला एक चावल का दाना सोलह माला सोला चावल के दाने सोला चावल के दाने हम खा सकते हैं हाँ तो आप एक सौ बानवे माला कीजिए एक सौ बानवे चावल के दाने तो ये हमें दिख रहा है किस प्रकार से साढ़ा करें अभी मैं कैसे खा सकता हूँ मेरा संख्या पूर्वक नाम जब नहीं हुआ है संख्या संख्या कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है अपना दिमाग फालतू में लगाने की जरूरत नहीं है वी ट्राई टू बी वेरी इंटेलिजेंट मन में जपता रहता है नंग गिनने की जरूरत है क्या हम हरिदास ठाकुर के ऊपर हैं क्या हम चैतन्य महाप्रभु के अपने रूप सनातन के ऊपर हैं फालतू की बकवास फालतू के डिबेट्स एंड डिस्कशन का कोई लाभ नहीं है हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरी संख्या पूरी नहीं हुई अभी खा कैसे सकता हूँ मैं ये विचार हमें सोचना चाहिए मतलब सोलह माला और एक सौ बानवे वाला में तो बहुत फर्क है एक सौ बानवे वाला अगर वाला ये बोले कि मैं संख्या पूरी करके खाऊंगा तो फिर तो सोलह माला वाला तो बोल सकता है हाँ संख्या में पूरा क्या दिक्कत है छः सात आठ बजे तक आदमी मुरी पाला कर ही सकता है हमने फिर भी उसको कहते हैं कि कम से कम नौ बजे तक तो करिए उसके बाद वो इस प्रकार से पा सकता है तो ऐसा हमारा जीवन में नाम जब के लिए इतना इम्पोर्टेंस होनी चाहिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारा चित्त में जिम्मे में स्थिर नहीं होता तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो हमारा भी चित्त स्थिर नहीं है भक्ति में लेकिन फिर भी भक्ति के विधि विधान क्या हैं कि हम नाम जप पूरे करें संख्या संख्यापूर्वक जब करें हर व्यक्ति कम से कम माला पे आए आज नहीं तो एक साल बाद या वटेवर हाँ उसको पंचवर्षीय योजना भी ना बनाए माला पे आए और फिर कम से कम करें इतना और उसको करने के लिए भी जीवन में प्रथम प्रायोरिटी यही होनी चाहिए ये नहीं कि सवेरे निकल गए पहले हम जिम कराए फिर हम घूम के आ गए फिर यह करे ये कराए फिर जाके हमने माला को पकड़ा इस पर भी विचार होना चाहिए आपके घर में आपके पति जो है सवेरे जल्दी चले जाते हैं प्रसाद बनाना पड़ता है एक सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बट क्यों ना इसके लिए कुछ करा जाए रेदर देन एक्सेप्टिंग इट एट एज इट इज़ कि हम क्या कर सकते हैं हमारी तो ये समस्या है हमारी तो ये समस्या है हरिदास ठाकुर नहीं कह रहे मैं क्या करूँ एक सौ बानवे माला है क्या ऐसा कह सकता हूँ मैं कि माला करने के बाद ही प्रसाद पाऊँगा जैसा कि उन्होंने उस वैश्या के साथ बोला आ, क्या बोला वेट करो जरा मेरे को माला तो पूरी होने दो तो. अब कैसे माला जी पूरी रात तो माला चलेगी पूरा दिन माला चलेगी फिर ख़त्म होती है फिर चालू हो जाएगी अगला दिन आ जाएगा तो वो इतना बड़ा प्रण ले सकते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा हमारी लाइफ में माला कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कितना ध्यानपूर्वक माला के बारे में अनेक अनेक चर्चाएं हो है चुकी हैं जो माला की क्वालिटी हमारी मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में है मॉर्निंग आवर्स में है वो आपको पूरे दिन में कभी मिल ही नहीं सकती वो एहसास कभी हो ही नहीं सकता वो दिव्य एहसास वही जानता है जिसने उसको किया है हु? लेकिन हमारे आलस हमारे निद्रा या रात को हमारा रजोगुण जो हमें सोने नहीं देता बी ड्यू टू एनी इंद्री तृप्ति के कारणों से वो हमें सवेरे उठना नहीं देता इस कारण हम जप नहीं कर पाते तो इस पर विचार करना चाहिए कब तक कहते हैं ना कब तक जब की मार के जप करते रहेंगे विचार कीजिए क्यों मेरे को इतनी नींद आती है क्यों मैं अपनी आप तो मैं बॉडी को ज़्यादा थका रहा हूँ कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ अपने शरीर के साथ जैसे आजकल तो मोबाइल देखते रहना भी बीमारी है पूरे दिन अगर मैं मोबाइल ही देखता रहा हूँ आँखें इतनी थक जाती हैं कि नींद पूरी कैसे होगी इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं जीवन में थोड़ा ठहराव भी ला सकते हैं ताकि हम मॉर्निंग में क्योंकि हम दिव्य आत्मा नहीं है जो हर हालत में कर पाएँ इसलिए शरीर को कैसे आराम देना है क्या करना है ऑल द प्लानिंग ऑल द एफर्ट शुड बी टू इम्प्रूव आवर चैंटिंग स्पेशली आवर मॉर्निंग चैंटिंग हाउ मच प्लानिंग कितनी प्लानिंग हम करते हैं इसके लिए ये विचार करने की आवश्यकता है बहुत सारी प्लानिंग करते हैं हम लोग धन कमाने के लिए करते हैं कितना विचार आता है अनगिनत विचार यहाँ ये कर लेता हूँ यहाँ ये देता हूँ यहाँ से दो का चार यहाँ ये बेच लेता हूँ यहाँ ये खरीद लेता हूँ यहाँ ये कर लेता हूँ ये वाला प्रोजेक्ट कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ यहाँ सैलरी बढ़ेगी यहाँ यहाँ से इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर लेता हूँ प्लानिंग 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 कल ऑफिस में जल्दी जाना है पतिदेव को तो आज मैं छोले भिगो देती हूँ आज मैं सब्जी काट के रख देती हूँ आज मैं ये कर लेती हूँ आटा मंगा लेती हूँ ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ सवेरे उठते ही मैं ये करूँ कितनी प्लानिंग खाने के लिए कितनी प्लानिंग जॉब के लिए कितनी प्लानिंग धन के लिए क्या प्लानिंग नाम जब के लिए ये क्वेश्चन है क्या हमने प्लानिंग करी कितनी चिंतन उसके लिए है प्लानिंग इज चिंतन हुँ? क्या मैंने उसके लिए चिंतन किया बहुत सारे चिंतन चल रहे हैं उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया उसको तो छोड़ेंगे नहीं उसका तो ये कर देंगे ये कर करेंगे ये भी एक प्लानिंग है फिर बच्चों की प्लानिंग है इसका क्या होगा आगे क्या होगा ये कैसे होगा वो कैसा होगा तुम्हारा ही नहीं होगा तो उसका क्या होगा हुँ? वही चेतना में तो रहेगा उस घर के अंदर हो जिस चेतना में आप हैं जब आपके लिए भगवान प्रायोरिटी नहीं है आ, क्या आप किस कहते हैं इट्स ऑल कृष्णास प्लानिंग हम कहते हैं ना हम प्रपोज करते हैं तो ऐसी प्लानिंग करके क्या लाभ संसार की जो अल्टीमेटली हमारे कर्मों का फल है क्यों ना नाम जब करके इन कर्मों को ही सुधारा जाए एटलीस्ट इफ नॉट द प्रेम भक्ति हुँ? तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि सच में ये क्वेश्चन है आदमी आप सोचिए जरा आप कितनी प्लानिंग कर रहे हैं हम सब लोग बच्चों के लिए व्यवसाय के लिए खाने के लिए बट हमारी क्या प्लानिंग है नाम जब के लिए जिसके लिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मैं खा कैसे सकता हूँ एक सौ बाला मानवे माला कर रहे हैं ये हमारा विचार होना चाहिए कि हम क्या उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं फिर प्लानिंग के बाद हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं प्लानिंग तो कर ली बहुत सारी इधर अलार्म उधर अलार्म तीसरा अलार्म चौथा अलार्म पाँचवा अलार्म छठा अलार्म प्लानिंग होगी सवेरे एक एक करके सारे अलार्म बंद 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 फिर सो गए तो ऐसी प्लानिंग का भी क्या लाभ जिस प्लानिंग के अंदर कुछ एग्जीक्यूशन नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जीवन को धकेलना नहीं है लेट्स सी कल क्या होता है सब कुछ भगवान के हाथ में है बट कर्मन्ने वा अधिकार कर्म करने का अधिकार तो हमारे पास ही है अब मैं कर्म भी ना करूं तो भगवान ने बोला माँ संगोत्सव अकर्मणी यू शुड नेवर बी अटैच बाई नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज इसलिए हमें प्रयास करना है सांसारिक प्रयास को बदल कर आध्यात्मिक प्रयास तो करना ही है आध्यात्मिक प्रयास के लिए प्लानिंग भी करनी है वो प्लानिंग फेल हो जाती है दैट्स अनादर प्रॉब्लम अब सब प्रभु जी मैंने इतनी प्लानिंग करी सब फेल हो गई मैं बीमार पड़ गया ये हो गया तो वो भगवान के हाथ में आप तो कीजिए माँ फलेशु कदाचन फल की कहाँ आपके ऊपर कहाँ अधिकार था तो इस प्रकार से विचार करते हुए हमें ये प्रण लेना चाहिए कि कहते मैंने अभी अपना जप पूरा नहीं किया है फिर मैं कैसे खा सकता हूँ फिर पिलाव से बता रहे हैं लेकिन तुम तो महाप्रसाद लाए हो इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूं महाप्रसाद आए तो हमें उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करें जो हरिदास ठाकुर ने किया एतबली करिला वंदन एक महाप्रसाद करिला भक्षण क्या कर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया हम्म और उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण किया बहुत सारा प्रसाद था उसमें एक मंचूरियन का टुकड़ा था हरिदास ठाकुर ने मंचूरियन का टुकड़ा निकाल लिया हु? और साथ में खड़े थे कोई दूसरे भक्त उन्होंने देखा ये इसमें पकौड़ा प्रसाद दिए उन्होंने पकौड़ा प्रसाद ले लिया किसी ने कुछ ले लिया अंत में बची आ, पीली दाल और चावल के गुद्दा ने सारा महाप्रसाद गायब शायद दाल महाप्रसाद नहीं था हु? पीली दाल महाप्रसाद नहीं थी तो पहले तो ये कि महाप्रसाद में प्रसाद को देखें कैसे हम ये ये सोचने का विषय है ये छोटी छोटी बातें हैं बट तो हम भक्ति में यहीं पे ही रह जाएंगे जहाँ पर है तो कैसे महाप्रसाद को लेना है महाप्रसाद ही महाप्रसाद वैसे तो प्रसाद भी महाप्रसाद ही है घर के अंदर भी हमारे बच्चों को खासतौर पर सोचना चाहिए हम ये नहीं खाएंगे हम वो नहीं खाएंगे हम ये नहीं, नहीं, नहीं खाएंगे हम ये खाएंगे हम ये नहीं खाएंगे ये सही विचार नहीं है ठीक है पहली बात तो शरीर की जरूरत है हमारी कि हर प्रकार की सब्जी भगवान ने बनाई है किसी विशेष पर्पज से इसमें ये विटामिन इसमें ये विटामिन इसमें ये विटामिन इसमें ये विटामिन आपको आप कहेंगे हम तो मल्टी विटामिन खा लेते हैं प्रभु जी वो तो फिर क्या कहते हो जिसकी बुद्धि मल्टी में विभक्त रहती है एक उसको भगवान के बहुशाखा ही अनंत बुद्धयो अव्यसाई नाम बहुशाखा मल्टी <laughs> तो मल्टी विटामिन में शरणागति नहीं आ पाएगी हमारी इसलिए क्या करें अलग अलग सब्जियों को खाना दालों को खाना ये सब खाया जाए और हम सुनते हैं हम भगवान के विग्रह सेवा के नियम में भगवान को सीजनल चीज़ें और इस तरह की चीज़ें खिलाई जानी चाहिए तो इसको हमें भी खाना चाहिए अब भगवान ने बैगन बनाया है तो कुछ सोच के बना कोई लोग कहते हैं बैगन मतलब बैगुन गुन नहीं है इसके अंदर कुछ तो गुण होगा ऐसी बात तो नहीं है प्रुपात तो बैगन भाजा खाते थे बैगन में गुण नहीं है खाना पड़ेगा भगवान ने बनाया खाइए अगर तोरी मुझे तोरी निकाल खा सकते है। बना है भगवान ने कुछ सोच के भगवान ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो बिना सोचे समझे बना दी तो उसको प्रसाद पाइए तो पहले तो ये भाव है दूसरा भाव है प्रसाद के प्रति हमारे रिस्पेक्ट कि हम उसको प्रणाम करें और कभी उसको लेने से मना ना करें चाहे रंच मात्र लें ड्यू टू सम रीजन महा आ, हरिदास ठाकुर ले नहीं सकते थे अभी तो उन्होंने प्रणाम किया और रंच मात्र ले लिया तो दोनों फिलॉसफी पूरी कर दी महाप्रसाद कृष्ण से अभिन्न होता है इसलिए महाप्रसाद को खाने के स्थान पर उसका सम्मान करना चाहिए इसलिए इसको कहते हैं हम खाते नहीं है इसको पाते हैं इसलिए कहते हैं इसलिए कहा गया कि करीला महाप्रसाद ग्रहण करते समय उसे सामान्य भोजन नहीं मानना चाहिए प्रसाद कृपा महाप्रसाद को कृष्ण की कृपा समझना चाहिए जैसे कि शिल भक्ति ठाकुर कहते हैं कृष्ण बड़ दयामय बारे दिव्या जाए स्व प्रसाद अन्न दिल भाई कृष्ण बड़े दयालु हैं क्यों है दयालु क्योंकि उन्होंने गुरु कृपा से मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी दिलाई गुरु कृपा फ्लैट गुरु कृपा बिजनेस दुगना, गुरु कृपा घर में पोते का पैदा होना गुरु कृपा बच्चे की शादी हो जाना और यही कृपा है तो यहाँ बोल रहे कृष्ण बल दया में क्या क्यों दया में भाई कि उन्होंने अपना हमें महाप्र उच्छिष्ट हमें दिया इसलिए कृष्ण दया में ताकि हम इस जिव्या के ऊपर जीत प्राप्त कर पाए क्योंकि ये जिव्या क्या है तार मध्य जीवाती लोभ मैं सुर ताके जेठा कठिन संसार है इसको जीतना तो मुश्किल है कृष्ण बढ़ दया मैं अपना प्रसाद उन्होंने दिया बड़े दयालु हैं इस बहुत ही जगत में हम नाना प्रकार के बहुत भोजनों का स्वाद लेने के लिए आसक्त रहते हैं ये स्वाद हमसे जाता नहीं है तो भगवान का अच्छा स्वाद लो तो इस प्रकार से लो मेरा चिंतन करते हुए लोग भगवान कहते मैं जल का स्वाद हूं आप जल को पीजिए कृष्ण समझ के जैसे नाना कृष्ण नाना प्रकार का भोजन करते हैं और उस भोजन को भक्तों को लौटा देते हैं जिससे न केवल विविध स्वादों की तुष्टि होती है अभी तो प्रसाद खाने वाला आध्यात्मिक उन्नति भी करता है पुष्टि भी होती है और तुष्टि भी होती है संतुष्टि भी होती है खाने में आनंद भी आता है और पुष्टि भी होती है हाँ स्वास्थ्यवर्धन होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है तो प्रसाद खाने वाला आध्यात्मिक उन्नति भी करता है इसलिए हमें सामान्य भोजन को कभी भी महाप्रसाद के तुल्य नहीं समझना चाहिए ध्यान रखिए इस बात का आर दिन महाप्रभु तार गाठी तार ठाई सुस्त हयो हरिदास बली तारे पुछिला अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा हरिदास तुम ठीक तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ सब जानते ही हैं कि हरिदास के मन में क्या चल रहा है तो पूछते हैं आप ठीक तो हैं हमने सुना हम सुनते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के घर में जाते थे क्योंकि हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना समझते थे कि वो मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते थे कि मैं बहुत ही दुष्ट हूँ मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो मैं तो नहीं दर्शन कर सकता कोई मुझे देख लेगा तो अपवित्र हो जाएगा कोई मुझे छू लेगा तो अपवित्र हो जाएगा ऐसा उनका विचार था ऐसा था नहीं तो महापुर जाते हैं कहते हैं कि तुम ठीक तो नमस्कार करीते हो कैला निवेदन शरीर असुस्त हय हो असुस्त बुद्धि मन हरिदास ने महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु तो मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है जो व्यक्ति इतनी माला करता हो वो कह रहा है मेरा मन ठीक नहीं है एं? और हम पूछते हैं आप हमारे कैसे आप कैसे हैं मैं तो ठीक हूँ प्रभु जी लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं, नहीं है वो व्यक्ति ठीक नहीं है वो व्यक्ति ठीक नहीं है वो व्यक्ति ठीक नहीं है हम सुनते ना, ना मन मन मंदिर कि ये मन ही हमारा मंदिर है इसलिए मंदिर का मार्जन मन के मार्जन से होता है अब जिसको गंदगी ना दिखे किसी आपको बुलाएँ सर्वेंट को एक कमरा साफ़ कर दो तो, क्या साफ़ करूँ प्रभु जी साफ़ तो है साफ तो दिख रहा है अब फिर वो दिखाता है इधर आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें तो ये देखो वो देखो ये देखो कहता हाँ आप समझ तो में आया तो जनरली हमें गंदगी दिखती नहीं है ख़ासतौर पर अपने अंदर तो उसको देखने की जरूरत है क्योंकि मेरे भगवान मेरे मुझे अपने मन में तो बिठाने हैं लेकिन मन में क्या मेरे मन में द्वेष नहीं है क्या मेरे अंदर दोष दर्शन नहीं है कम से कम क्योंकि ये बताना बड़ा मुश्किल है आपको बोलूंगा कि आपके अंदर लोभ है लोभ नहीं है प्रभु जी सारे लोभ खत्म हो गए कोई लोभ नहीं है बड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना कि लोभ अभी भी है अभी भी काम है जितना हृदय साफ होगा उतना वो दिखेगा यही तो अजीब सी बात है जितना धूल झाड़ेंगे कमरे की उतनी धूल उड़ेगी कुछ मत झाड़ो कुछ टच मत करो लगेगा सब साफ है और जब फट फट मारेंगे तब उड़ेगी तो उसी तरह से जब हम मारेंगे तब वो उड़ेगी तब दिखेगी हाँ काम है हाँ लोग भी है हाँ द्वेश है ईर्षा है तब समझ में आए तो इसलिए हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं मेरा मन गंदा है ठीक नहीं है बुद्धि भी ठीक नहीं है प्रभु कहे कौन व्याधि कह त निर्णय तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूरा या चतरे बाबू ने क्या बोला क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा रोग यह है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हमारा रोग मेरी जब वेरी वेरी रेयरली कोई ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति आता है पास में बोलता है कि प्रभु जी जब अच्छा नहीं हो रहा है प्रभु जी रात को जब खत्म हो रहा है सवेरे जब खत्म हो रहा है हमने साधना ऐप बनाई उसमें हमने डाला कि इतने दस नंबर से ऊपर यू आर हेल्दी शुरू में हम लिखते थे कि आपका हीमोग्लोबिन भी नहीं है तो हमने लोगों को लोगो टेंशन होगी हीमोग्लोबिन दस से कम हो गया तो तो खतरा है ना हीमोग्लोबिन दस से ऊपर ही होना चाहिए ग्यारह बारह तेरह चौदह तो उसी के हिसाब से बनाया हीमोग्लोबिन क्या है प्रभु जी सब आत्माएं हम तो आत्माएं खून से क्या होता है हीमोग्लोबिन छः भी हो जाए आत्मा तो जिंदा रहेगी ना कोई चिंता नहीं है हीमोग्लोबिन छः हो जाए वैसे ही हमने परसेंटेज बनाई कि चलो ऐसे ऐसे आज छः इतना नहीं जाग रही है हम परसेंटेज पिछहत्तर परसेंट मार्क्स के कम तो आदमी है डिस्टिंक्शन इज पिचहत्तर परसेंट उससे कम तो क्या क्या रखा है प्रभु जी इस परसेंटेज में क्या रखा है तो सब सब बेकार है तो कंपटीशन है कंपटीशन नहीं करते हम जो आ रहा है आने देते हैं तीस परसेंट भी आ गए तैंतीस परसेंट भी आ गए तो पास तो हो गया ना पास तो हो गया आदमी पास ही तो होना है संसार में प्रभु जी क्यों करना है एक्सल यहाँ पर नहीं बहुत है तो इतने कहते उत्तम अधिकारियों को कैसे पीच किया जाए उत्तम अधिकारी हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता है साधना स्कोर का किसी भी चीज़ का तो कभी इस बारे में चर्चा नहीं होती है लेकिन अगर सास ने कुछ कह दिया लेकिन अगर पति ने कुछ कह दिया तुरंत ये है बहू जी ऐसा है ऐसा है या उस वक्त ने ऐसा कर दिया तुरंत मन में आ रहा है उसके ऊपर चर्चाएँ चा हो रही हैं तो काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं घंटों तक दिमाग को ठीक करने के लिए ये सारी काउंसलिंग की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि आदमी सचेत नहीं है अपनी साधना के लिए सेवा के लिए समर्पण के लिए अपने मन को देख ही नहीं रहा है इसलिए घंटों घंटों बैठना पड़ता है यही विचार सोचने का है यदि हम अपने इन चीज़ों को ही सुधार लेंगे ना तो कभी कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज समस्या मेरी है ये मेरे कर्मों का फल है इसलिए भगवान बोलते हैं भागवत में कि तो जो व्यक्ति अपने साथ होने वाले हर चीज़ को यही समझता है कि उसके ही कर्मों का फल है वही भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी है दिस इज रिटन इन श्रीमदभागवत भागवतम अनुकम्पा सुशिक्षित माणू सम लाइक दैट कि जो इस प्रकार समझता है तो जो आदमी की साधना समर्पण होता है पूरा तब वो यही समझता है कि मेरे साथ जो हो रहा है आई एम द रिस्पांसिबल पर्सन मैं ही हूँ मेरा ही मन खराब है जैसे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरा ही मन खराब है मेरी बुद्धि खराब है मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपना नियम ही पुले नहीं कर पा रहा हूँ उसका डिस्कशन ही अराउंड दिस के होता है कि ये हो रहा है ऐसी फीलिंग्स आती हैं कुछ कीजिए भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा है कुछ कीजिए सेवाओं में मन नहीं लग रहा है कुछ कीजिए आलसी हो गया हूँ पोस्टपोन करता रहता हूँ सारी चीज़ों को कुछ कीजिए निद्रा प्रभु मुझे निद्रा बड़ी प्यारी कुंभकर्ण बन गया हूँ तो इस प्रकार से ये डिस्कशंस के वास्तविक विषय है इसके लिए चिंता इसके लिए प्रयास हम कहते हैं अच्छा साथ में सो जाओ गुरुकुल में नहीं 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 हाँ क्या पत्नी का आलिंगन करे बिना हम सोएंगे तो क्या नींद क्या आएगी हमें अब कर लीजिए भैया हमने मना थोड़ी किया है अब ग्रस्त आश्रम में रहिए साथ में नो प्रॉब्लम बट जब बीमारी लग रही है तब तो आदमी एडमिट होता है ना हॉस्पिटल में या तब भी कहता है पत्नी का बेड साथ में लगाइए डॉक्टर साहब यहाँ मेरा बेड यहाँ मेरी पत्नी का बेड एक ग्लूकोज मुझे तो एक उसको भी चढ़ाइए हाँ तब जाते हैं साथ में क्या हम हॉस्पिटल में जाते हैं नहीं जाते हैं ठीक हो गए वापस आ जाते हैं हम ब्रह्मचारी आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं दे आर ग्लोरियस पीपल हम यहाँ हैं तो कम से कम जब बीमारी है तब तो कुछ एक्शन लेना तब तो निकलें बाहर नहीं तो जस्ट लाइक like शैतूत का कीड़ा की तरह ना तो नहीं हो जाएगा कि अंदर ही मर जाएंगे दम घुट के जब लग रहा है कि बीमारियां हो रही हैं तब तो क्यों ना डॉक्टर के पास जाया जाए उनसे डिस्कशन किया जाए उनसे बात की जाए दवाई ली जाए और फिर स्वस्थ होकर वापस जाया जाए हम बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हम तो चाहते हैं परिवार में रहिए ताकि परिवार की चेतना अच्छी हो घर के मुखिया को या घर की मुखियन को परिवार में रहेगी तो बच्चों को परिवार में सबको चेतना देंगे लेकिन जब बीमारी की अवस्था है तब की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार का विचार इस प्रकार के डिस्कशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए इसलिए हरिदास ठाकुर का क्या डिस्कशन है काउंसलिंग का विषय क्या है मेरा बताइए कौन पूछ रहा है कह रहा है कि मैं जब संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ फिर बात कह रहे हैं यदि कोई जब की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए बड़ी प्रारंभिक अवस्थाओं में है जो जब पूरा नहीं कर पा रहा है चले हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं निसंदेह हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में जब तो करना चाहिए ना हमने अपने कृष्ण भावी में आंदोलन में सोलह माला का न्यूनतम जाप नाम जप निर्धारित कर रखा है जिसे पाश्चात्यवासी अपने आप को बोझिल अनुभव ना करें इस इन सोलह मालाओं का जब तो करना ही चाहिए और वह भी उच्च स्वर से जिससे जब करता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुन सके हु? तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस समझें किस चीज़ की प्लानिंग करें हमने चर्चा करी हमारी किस चीज़ की प्लानिंग करना चाहिए क्या हमारे चर्चा के विषय होने चाहिए क्या हमारे डिस्कशन पॉइंट्स होने चाहिए जब हम मित्र लोग मिलें जो हम अपने सीनियर्स के साथ मिलें ताकि हमारा फोकस यही हो जो हरिदास ठाकुर का फोकस है शिला की जाए, श्री कृष्णदास कविराज की शाय जाए, श्री चैतन्य चरितमित की